हे गाइस, यू मोस्ट वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा, आज हमारे साथ हैं आद्विक, और आज ये आपसे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं। और जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं ना, हमारे देश में बहुत सारे युवा हैं, इसलिए हमारा देश का जो भविष्य है बहुत उज्ज्वल है। और जब हमारे देश के बच्चे भी ऐसे हों, तो वाकई में हमारा देश वाकई में बहुत भविष्य इसका काफ़ी उज्ज्वल है। तो अब हम आपसे मिलवाते हैं हार्दिक से। इनका नाम हार्दिक भी है, आद्विक भी है, आप इनको कुछ भी कह लें। तो अब हम जानते हैं आद्विक से ही इनके बारे में कि किस क्लास में पढ़ते हैं, इनकी एज क्या है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही जानना है किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम हार्दिक से बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। तो हार्दिक, अब आप अपने बारे में सबको बताएं। मैं हूँ 10 साल का, मैं गुरु नानक इंग्लिश स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरा नाम है आद्विक सिंह और मैं 5th क्लास में हूँ। तो हार्दिक, ये बताएं आपको एशिया के अलावा और कितने कंटिनेंट्स के कैपिटल्स आपको लर्न मुझे है? एशिया के अलावा यूरोप और साउथ अमेरिका के लर्न है कंट्री कैपिटल्स। ऑस्ट्रेलिया के भी लर्न है। और आपको ये भी पता है कि हमारे देश में कितने प्राइम मिनिस्टर्स बने थे, किस रैंक पर कौन से प्राइम मिनिस्टर्स बने थे, ये भी आपको लर्न है? हाँ, तो अब हम हार्दिक से इन्हीं सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अब हम इनसे क्वेश्चन करेंगे और आद्विक हमें आंसर देंगे। तो टोटल एशिया में जितने कंट्री कैपिटल्स हैं, मैं कुछ कंट्रीज़ इनसे पूछूंगा और उसके कैपिटल्स आपको बताएंगे। और एट लास्ट ये आपको ये भी ज़रूर बताएंगे कि इन्होंने ये सब लर्न कैसे किया। देखिए, ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ कंट्री कैपिटल्स तो सबको लर्न होते हैं, बट इतने सारे कंट्री के कैपिटल्स लर्न होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इनको 100+ कंट्री कैपिटल्स लर्न है, तो ये एक मोटिवेशन हो सकते हैं आपके लिए कि आपको भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती यार। और दूसरी बड़ी चीज़ ये होती है ना कि आप किसी से भी कभी भी सीख सकते हैं, है ना। तो अपने स्टूडेंट से भी सीखने की कोशिश किया करिए। मैं भी अपने स्टूडेंट से काफ़ी सीखता हूँ। तो चलिए अब हम हार्दिक से क्वेश्चंस करते हैं और ये आंसर करेंगे। तो हार्दिक, अब माइक आप ले लें, मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ। अज़रबैजान का कैपिटल क्या होता है? अज़रबैजान का कैपिटल होता है बाकू। अफगानिस्तान का कैपिटल क्या? अफगानिस्तान का कबूल। काबुल। नेपाल का कैपिटल क्या होता है? काठमांडू। ओके। कंबोडिया का कैपिटल क्या होता है? फेनोमपेन। ब्रुनेई का कैपिटल क्या होता है? बंदर सिरे भगवान। अच्छा, फिर आप बताएं म्यांमार का कैपिटल क्या होता है? नेपितो। और मलेशिया का कैपिटल क्या होता है? क्वालालंपुर। ओके, और आप बताएं फिलीपींस का कैपिटल क्या होता है? मनीला। मंगोलिया? उलान बटेर। इजराइल? जेरूसल। इंडोनेशिया? जकार्ता। वेरी गुड, और आप बताएं ईरान का कैपिटल क्या होता है? ईरान का कैपिटल तेहरान। वेरी गुड। अच्छा, अब आप कुछ कंट्री खुद से बताएं और उसके कैपिटल्स भी खुद से बताएं आप, जो भी आपको लर्न हो। मुझे कंबोडिया का कैपिटल पता है, वो है फेनोमपेन। मुझे पता है अफगानिस्तान का काबुल, अर्मेनिया का यरेवन, अजरबैजान का बाकू, भूटान का थिम्फू, बांग्लादेश का ढाका, ब्रूनी का बंदर सिरे भगवान, चाइना का बीजिंग, कंबोडिया का फेनोमपेन। जॉर्डन का कैपिटल होता है? जॉर्डन का कैपिटल होता है अम्मान। वेटिकन सिटी का कैपिटल क्या होता है? वेटिकन सिटी होता है। वेरी गुड, और सिंगापुर का कैपिटल क्या होता है? सिंगापुरी होता है। चलिए, बहुत अच्छे। और यूएई का कैपिटल क्या होता है? यूएई का अबू धाबी। और साउथ कोरिया का कैपिटल क्या होता है? साउथ कोरिया का सियोल। अच्छा, नॉर्थ कोरिया का कैपिटल क्या होता है? प्योंगयांग। वेरी गुड, अब उधर देखिए और देख करके फटाफट जैसे बता रहे थे कंट्री कैपिटल्स वैसे बताना स्टार्ट करें। जॉर्जिया का कैपिटल क्या होता है? जॉर्जिया का टबलिसी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप बताएं कि ना भूल गया एक्चुअली कंट्री के नेम, इनको इतने सारे लर्न है ना। हाँ, तो अब आप बताएं मुझे सऊदी अरब का बताएं आपने? सऊदी अरबिया का नहीं बताइए, सऊदी अरब का रियाद। अच्छा, अब आप बताएं हमें कि जापान का कैपिटल क्या होता है? टोक्यो। अच्छा, जॉर्डन का कैपिटल क्या होता है? अम्मान। अच्छा, बहरीन का कैपिटल क्या होता है? मनामा। वेरी गुड। अच्छा, अब आप हमें बताएंगे कि उज्बेकिस्तान का कैपिटल क्या होता है? उज्बेकिस्तान का ताशकंद। कजाकिस्तान? तजाकिस्तान दसनाब। अच्छा, अब आप बताएं कि किर्गिस्तान का कैपिटल क्या होता है? किर्गिस्तान का बिस्केक। और कजाकिस्तान का? अस्ताना। तो जैसा आपने देखा कि हार्दिक को बहुत सारे कंट्री कैपिटल्स लर्न हैं, बहुत सारे कंट्री कैपिटल्स ऐसे हैं जो कि उनको अच्छे से पता है। तो ये तो थे एशिया के कुछ कंट्री कैपिटल्स। अब मैं इनसे ऑस्ट्रेलिया के कुछ कंट्री कैपिटल्स पूछता हूँ, उसका भी देखिए कैसे आंसर करते हैं। बताओ ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या होता है? कैनबेरा। फिजी का कैपिटल क्या होता है? सुआ। किरीबाटी का कैपिटल क्या होता है? साउथ तारवा। तो देखिए, जैसा कि आपने देखा इनको कि ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट्स के भी कैपिटल इनको पता है। न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या होता है? न्यूजीलैंड का वेलिंगटन। चलिए, इन्हें देखिए ऑस्ट्रेलियन कंट्री के कैपिटल्स भी बहुत अच्छे से पता है। अब हम इनसे पूछते हैं यूरोप के कंट्री कैपिटल्स का, है ना। पता है अल्बेनिया? अल्बेनिया तिराना। बहुत अच्छे। और अब बताएं एंडोरा? एंडोरा लावेला। बेलारूस? बेलरस। बेलरस मिन्स्क। और आप बताएं हमें
बुल्गारिया, सोफिया, ऑस्ट्रिया, वीना, वियना, बुडापेस्ट। देखें नहीं, यहाँ के भी कंट्री कैपिटल्स बहुत ही अच्छे से लर्न है। नीदरलैंड्स, एम्स्टर्डम, गुड। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड बॉन, वेरी। जैसा कि आपने देखा है बहुत अच्छे से लर्न है। इनसे कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कि हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर्स कौन से रैंक पर कौन से प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो आप बताएं हमें कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे कंट्री के। सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। थर्ड कौन थी? थर्ड थी हमारी इंदिरा गांधी। फोर्थ कौन थे? वो थे मोरारजी देसाई। टेंथ कौन थे प्राइम मिनिस्टर? टेंथ थे आई के पीवी नरसिम्हा राव। वेरी गुड। और थर्टींथ कौन थे हमारे कंट्री के? आई के गुजराल। अच्छा, आप बताएं कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं ये हमारे देश के किस नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं? 17th एंड 18th। वेरी गुड। तो इन्हें सारी चीज़ें एकदम अच्छे से पता है। उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको हार्दिक से मिल करके। तो हार्दिक, आप बताएं कि सारी चीज़ें आपने लर्न कैसे की? ये मेरे निखिल सर ने बताए, वो भी बहुत ट्रिक्स के साथ, आप भी इनसे सीखें। तो ट्रिक्स बहुत सारी हार्दिक को भी पता है, ये भी आपको सिखा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा हमें, और इतनी सारी चीज़ें इन्हें अच्छे से पता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन्हें अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे, और आपको भी बहुत ही अच्छा लगा होगा हार्दिक से मुलाकात करके। तो हार्दिक, बस किया जाए वीडियो यहीं पर। ठीक है, आप जितने भी ऑडियंस हैं हमारे, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, आपके भैया लोग हैं, दीदी लोग हैं, उन्हें बाय करने का टाइम आ गया है। बाय। तो सबको बाय कर दीजिए आप। बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, लाल वाले बटन को सब्सक्राइब करें, और बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके, शेयर करके, कमेंट भी जरूर करें। वेरी गुड। तो जो जो इन्होंने बोला सब आपको करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट तो जरूर करना है आपको ना, हार्दिक को अप्रिशिएट जरूर करना है आपको। हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे, और वीडियो हो सके ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि हमारे देश के बच्चे कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को जानते हैं और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग भी सीखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तक के लिए ऑल द बेस्ट।